वैसे स्मार्ट से याद आया, स्मार्टफोन्स हम सभी देखते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस हैज द क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 विच इज बेस्ड ऑन 4nm. आपने सुना होगा ना अक्सर ऐसा 4nm, 5nm, 3nm. व्हाट इज दिस nm इफ आई वुड टू टेल यू? वेल, पता है क्या है, यहाँ पे nm इज अ नैनोमीटर. इट्स बेसिकली अ यूनिट ऑफ लेंथ. ये होता है एक मीटर का 1 बिलियनथ. जी हाँ, 1 बिलियनथ. और यहाँ पे आई मीन द स्मॉलर इज बेटर बिकॉज ऑल दीज कंपनीज, ऑल दीज चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, दे आर ट्राइंग टू स्क्वीज इन एज मैनी ट्रांजिस्टर्स एज पॉसिबल. कि कैसे एक छोटी सी चिप में वो इतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स को पैक कर दें विच असेंशली एक्ट लाइक अ स्विच टू मेक श्योर दैट द परफॉर्मेंस गोज राइट थ्रू द रूफ. बिकॉज आप समझ लीजिए कि इसमें फॉर एग्जाम्पल जो प्रोसेसर लगा है उसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं पैक्ड इन टू अ वेरी स्मॉल पैकेज. थिंक ऑफ इट लाइक अ सिटी जहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं अगर वो छोटी होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी तो सोचो आप कितने कम एरिया में कितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स को पैक कर सकते हो. गाइस, एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड अ चिप दैट यू सी. बिकॉज एवरी ईयर एवरी डे दैट वी प्रोग्रेस यहाँ पे वी आर मेकिंग श्योर कि हम ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स को कम एरिया में पैक कर दें. राइट नाउ द मोस्ट एडवांस्ड प्रोसेस दैट यू वुड सी इज ऑफ 2 नैनोमीटर्स. Just imagine that a human hair is like 50,000 nanometers. तो 2 nanometers कितना छोटा साइज होता होगा जहाँ पे जाके जिस स्केल पे बेसिकली वी आर यू नो एबल टू मैन्युफैक्चर दीज चिप्स एंड पैक इन ऑल दीज ट्रांजिस्टर्स. जितना छोटा ट्रांजिस्टर उतनी फास्ट परफॉर्मेंस, उतना कम पावर कंजम्पशन और उतना कम हीटिंग का प्रॉब्लम. It's mind-blowing, and that's the reason I would say chip manufacturing is something which is very cutting-edge, very high-end. Abhi India mein we are planning ki yes, hamara country aage progress kare aur ye chips jo hain ye hum India mein banaye. Guys, did you know this? Yes, then it's all good. Agar nahi, to please let me know. You know the address. It's tg@ndtv.com. All your emails, all your suggestions, all your questions and queries, I am waiting for them. आप बताइए कि आप ये बात जानते थे about what is this NM?